हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल निकुंज बुटीक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है पैंट में चेन लगाने का तरीका। तो आप कैसे पैंट में चेन लगाएंगे? ये मैंने चेन ली है, ये वाले हुक वाली है, आजकल इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और पैंट को कट कर लिया है। ये मैंने एक पीस लिया है कपड़े का अलग से, जो बाद में चेन लगाने के बाद इस्तेमाल होगा, और आगे पीछे का पार्ट ले लिया है मैंने। ये मैं बना रही हूँ कॉटराइज के कपड़े का। ये कॉटराइज का स्ट्रेचेबल कपड़ा है, और जो ये पार्ट लिए हैं मैंने वो लेफ़्ट लेग के लिए हैं। आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि राइट साइड में पॉकेट और लेफ़्ट साइड में चेन लगती है। तो अगर आप बहुत लंबा प्लाज़ो बना रहे हैं, हमारा करीब 37 से और 40 इंच तक, तो आप 7 इंच लिए। अगर 35 इंच तक बना रहे हैं तो आप 6 इंच का ऊपर छोड़ देंगे, उसके बाद नीचे वाले हिस्से को स्टिच कर देंगे। इधर से हमने डबल स्टिच करते हुए और नीचे तक आएंगे और इसको पूरे को स्टिच कर देंगे। आधा इंच का हमने मार्जिन रखना है इसमें, और इसको एंड तक हम ले आएंगे सिलते हुए। और पूरे को भी हमने स्टिच करने के बाद एक डबल स्टिच लगाना है। पैंट में कभी भी आप सिंगल सिलाई ना लगाएं, पूरे की पूरी पैंट में हम डबल स्टिच ही दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये इसमें एक्स्ट्रा लूजनेस नहीं रहती है तो सिलाई निकलने का डर रहता है, इसलिए हमेशा डबल सिलाई दें। और यहाँ तक आने के बाद एंड पे इसको धागा कट करके हम इस पर चेन लगाएंगे। चेन को हमने उल्टी तरफ रखना है, ये देखिए ये सीधी तरफ रहेगी पैंट की, और इसको पलट लें जैसे हमने रखा था उसी तरीके से। कुछ लगभग ये जो मार्जिन जो बचा है आधा इंच का, हमने चेन को इसी के साथ अटैच करना है। ये वाला हिस्सा जो रहता है रनर वाला हिस्सा, वो नीचे की तरफ लेंगे। सीधा हिस्सा रनर का नीचे की तरफ रहेगा, और इस तरह ये मार्जिन है, उसी मार्जिन को रखते हुए एक्स्ट्रा ना मार्जिन पे स्टिच करना है। जितना भी हमने इस तरफ आधा इंच लिया था उतने पे ही चेन को रखेंगे, और चेन के बिल्कुल साइड साइड से सिलाई लगा देंगे। इस तरह रनर को नीचे की तरफ ले लें ताकि वो, और इसमें ना ही हमने सिंगल प्रेशर फुट लगाया है, नॉर्मल प्रेशर फुट से ही हम इसको लगा देते हैं बहुत ईजी से। तो आप भी इस तरह ट्राई करें, बहुत आसान है लगाना। अब एक तरफ का लग गया है, अब दूसरी तरफ लगाएंगे इसी तरीके से। पैंट के कपड़े को ये देखिए रनर को बंद करके एक बार चेक कर लें, उस तिरछा ना हो। ये सीधी तरफ है, और ये देखिए उसी तरीके से रनर का जो सीधा हिस्सा है वो हमारा नीचे की तरफ है। और रनर को खोल लें ताकि अच्छे से ये बीच में प्रेशर फुट में ना आए, उसको नीचे की तरफ करके और बिल्कुल वही आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसको अटैच कर देंगे। रनर को बिल्कुल नीचे तक ले आए, इस तरह इसको। अगर टेढ़ी जाती है मशीन आपकी तो एक बार मशीन प्रेशर फुट को हटा के दोबारा से स्टिच कर लें, और बस वहीं तक आना है जहाँ तक हमने यहाँ इसको स्टिच किया है। खुले वाला हिस्सा जहाँ तक है बस वहीं तक इसको स्टिच करना है, और एंड में डबल स्टिच करके और हटा लें कपड़े को। अब देखिए जो रनर नीचे चला गया है उसको ऊपर ले आए, बंद कर लें रनर को ऊपर लेके, और इसको बंद कर देंगे चेन को। ये सीधा हिस्सा है, रनर को ऊपर लाके और खींचते हुए इसको बंद कर लें। ये देखिए ये बंद हो गया है, और ऊपर की तरफ बिल्कुल इस तरह से अटैच करना है कपड़ा कपड़े के ऊपर। ये देखिए इस तरह से इसके एक एक सिलाई लगाएंगे, नहीं तो ये खुलने के बाद ये हमारी चेन है वो दिखाई देगी। एक पैर की सिलाई इस तरह हम लगाएंगे यहाँ यहाँ से साइड साइड से। तो ये जो कपड़ा रखा था मैंने, ये 2.5 इंच करीब चौड़ा है और 8-9 इंच करीब लंबा है। एक्स्ट्रा लंबा रहे कोई दिक्कत नहीं, ये कट जाएगा। और इसको डबल, ये देखिए ये आगे वाला हिस्सा है हमारा पैंट का, और ये जिप है, और जो कपड़ा रहेगा इसको डबल फोल्ड कर लिया है, और इसको हम लगाएंगे इस तरीके से। इसका खुला वाला हिस्सा है वो उल्टी तरफ रहेगा। ये देखिए जो बैक वाला पार्ट है हमारा उसकी तरफ इसका खुला मुंह रहेगा, ये ध्यान रखें हमेशा। हम जो इसको अटैच करेंगे वो सिर्फ एक तरफ अटैच करेंगे, ताकि जब कभी हमारी चेन बाई चांस कभी खुल भी जाती है तो ये कपड़ा नीचे रहता है तो हमारी स्किन दिखाई नहीं देती है। ये हमें
इस तरीके से लगाना है कि ये देखिए इसके नीचे रखा है कपड़ा, और नीचे ध्यान रखें एक्स्ट्रा कपड़ा ना अटैच हो जाए सिलाई में, और सिर्फ वहाँ तक आना है जहाँ तक हमने चेन को अटैच किया है। यहाँ तक आएंगे और इसको इस तरह से उठा के मशीन को और थोड़ा सा अटैच कर देंगे, सिलाई लगा देंगे यहाँ पे, डबल ट्रिपल सिलाई लगाएं। और जो हमने कपड़े को नीचे तक सिला है उसको अब हम हटा देंगे, उसके साथ सिलाई नहीं लगानी है। उस कपड़े को हम मशीन से एक बार निकाल लेंगे, कपड़े को धागा कट करेंगे, और उसके बाद देखिए ये जो यहाँ तक आया है इसको पलट देंगे कपड़े को, ताकि ये और आगे सिलाई में ना आए, बस यहाँ तक ही इसकी सिलाई करनी थी। अब जो अटैच सिलाई करेंगे मशीन के नीचे, इसको कपड़े को अच्छे से सेट करेंगे, और ऊपर से भी हमने कपड़े को खींच के नहीं लगाना है, हल्का सा इस तरह से लगाएं कपड़े को, रखें ऊपर की तरफ कि ये जो चेन वाला हिस्सा है वो ना दिखे। पैंट वाले कपड़े को भी कहीं से हमने खींचना नहीं है या चौड़ा नहीं करना है। ये देखिए चेन हमारी लग के तैयार है, ये देखिए बड़ी अच्छे से और सफाई के साथ जो है चेन हमारी लगी है। और जो ऊपर वाला, ये देखिए ये जो कपड़ा था, अब इसको सीधा कर देंगे, ये हमारा इस तरह से, ये देखिए नीचे हमने यहाँ पे स्टिच किया था, एक्स्ट्रा कहीं पे भी अटैच नहीं हुआ, ये स्टिचेस इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आए हैं। ये देखिए इस तरीके से चेन को जब खोलेंगे तो ये कपड़ा रहेगा तो हमारी स्किन नहीं दिखाई देगी, और ना ही कभी चेन जो है वो चुभेगी। अब जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे, नीचे की तरफ चेन और कपड़ा बचा हुआ है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से लगी है सफाई के साथ। और ये उल्टा हिस्सा है, उल्टे हिस्से पे ये जो एक्स्ट्रा चेन है इसको कट करेंगे। कट करने के बाद इस ये कपड़े के साथ इसको कवर कर देंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा चुभती है, इसको ओपन ना छोड़ें, और इसको इस तरीके से इस कपड़े से कवर करके एक स्टिच लगा दें, ताकि ये फिक्स हो जाए, कभी भी स्किन पे ना चुभे। सो फ्रेंड्स, चेन हमारी लग के तैयार है। अब इसको बेल्ट और हुक के साथ आप रेडी कर सकते हैं। वो सब देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप वहां से मेरी वीडियो देख के चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे बेल्ट और आई लगाते हैं, हुक लगाते हैं। तो इस तरह से ये हमारी वीडियो कम्प्लीट है। सो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं, शेयर वो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।